पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के कुछ एक्ट्रेस के दरमियान शदीद जंग हो रही है, जिसमें बात FIR तक और लीगल नोटिसेस तक पहुंच चुकी है। कुछ अरसा पहले फिरोज़ खान और उनकी बीवी के दरमियान तलाक हुई, जिस पर उनकी बीवी अलीज़े सुल्तान ने सोशल मीडिया में कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें उनका चेहरा ज़ख्मी था और फिरोज़ खान पर डोमेस्टिक वायलेंस का इल्ज़ाम लगाया, जिस पर पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के एक्टर्स ने अलीज़े सुल्तान को सपोर्ट करते हुए फिरोज़ खान के इस एक्ट को क्रिटिसाइज़ किया। इस पर फिरोज़ खान ने उस वक्त एक मैसेज भी सोशल मीडिया में शेयर किया था कि इंडस्ट्री में उनका कोई दोस्त नहीं है, और बाद में लीगल कंप्लेंट भी रजिस्टर की और सब अदाकारों के नंबर्स और घर के एड्रेस सोशल मीडिया में शेयर किए, जिसमें एक्टर ने उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने का फ़ैसला किया और मुनीब भट्ट ने उनके खिलाफ एक लीगल कंप्लेंट भी रजिस्टर की। इस पर सीनियर एक्टर फजीला काजी ने सोशल मीडिया में एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे कुछ यंग एक्टर्स के दरमियान डिजिटल वॉर शुरू हो गई है, प्लीज़ ना करें, एक दूसरे के पर्सनल मैटर्स में बिल्कुल इन्वॉल्व ना हों, एक दूसरे को इज्जत दें, प्रोफेशनली एक दूसरे के साथ काम करें, जिएं और जीने दें। उन्होंने कहा कि रिस्क अल्लाह के हाथ में है, जिसको मिलना है जहाँ से मिलना है वो मिलेगा, लेकिन इस तरह से एक दूसरे को लीगल नोटिस भेजना, फ़ोन नंबर्स और एड्रेस शेयर करना, जो कुछ कोई कर रहा है उसे करने दें, और ये जो डिजिटल वॉर शुरू हो गई है मीडिया पे, ये ठीक नहीं है। जैसे एटमी जंग से हम डरते हैं, ऐसे ही ये भी एक तबाही है सबके लिए, प्लीज़ ख्याल करें।